हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट जल्दी से पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर दो और उसके साथ ही बेल का आइकन भी दबा दो, बेल का बटन दबा दो, ताकि जितनी बार भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको पता चल जाए और ऑब्वियसली आपके काम तो आ ही सकती है। सो चलो शुरू करते हैं। 10 लाइन्स ऑन कोविशील्ड। ओके, नाउ देखो, द इफेक्ट ऑफ कोविशील्ड इज बिटवीन 70-90%। जो कोविशील्ड का इफेक्ट है वो कितना है? 70% से लेकर 90% तक है। ठीक है, कोविशील्ड कैन ओनली बी अप्लाइड टू पीपल ओवर 12 ईयर ऑफ एज। ये किसको लग सकती है? सिर्फ उन्हीं लोगों को जो 12 साल से ऊपर हैं। ठीक है, द सेकेंड डोज ऑफ दिस वैक्सीन शुड बी टेकन आफ्टर 4-6 वीक्स टू 4-8 वीक। या तो आप 1 महीने से लेकर 6 हफ्ते, मतलब 4 हफ्ते होते हैं 1 महीने में, तो 4 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते के बीच में लगवा सकते हैं, या 4 हफ्ते के 8 हफ्ते के बीच में लगवा सकते हैं। बेसिकली 28-36 डेज या फिर 36-56 डेज, डिपेंड करता है कि आपने कितने वीक्स का गैप रखा है। ठीक है, कोविशील्ड इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ अ स्पाइक प्रोटीन। एक स्पाइक प्रोटीन की मदद से कोविशील्ड को बनाया गया है। इफ़ अ पर्सन गेट सीवियर एलर्जिक रिएक्शन आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन, देन ही और शी शुड कंसल्ट डॉक्टर बिफोर टेकिंग द सेकेंड डोज। अगर किसी को लगता है कि फर्स्ट डोज लगवाने के बाद कुछ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, तो ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें, फिर सेकेंड डोज को लगवाएं। ठीक है, सम पीपल कैन गेट फीवर, चिल्स और पेन्स इन द बॉडी आफ्टर गेटिंग द वैक्सीन, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल विद एवरीवन एंड इट इज़ टेम्परेरी। देखो क्या होता है कि जब आपको वैक्सीन लगती है ना, तो बेसिकली एक तरह की आपके अंदर एंटीबॉडी तैयार होती है, आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ रही होती है। ठीक है, जो इनएक्टिवेटेड वायरस है वो आपकी बॉडी में जाते हैं और बीमारी से लड़ने के लिए वो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो इस केसेस में क्या हो सकता है कि कभी कभी आपको फीवर आ सकता है, ठीक है, बट वो 1-2 दिन रहता है। पेन हो सकता है जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगवाया, उस हाथ में पेन हो सकता है, बट ये बहुत टेम्परेरी है। अगर 2-3 दिन से ज़्यादा फीवर है तो फिर आपको कोविड का टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है, द वैक्सीन आर नॉट इंटरचेंजेबल, बोथ द डोजेस हैव टू बी ऑफ सेम वैक्सीन। ये बहुत लोग ये गलती ना करें, अगर पहली वैक्सीन कोविशील्ड लगवाई है तो दूसरी भी कोविशील्ड ही लगेगी, पहली वैक्सीन कोवैक्सीन लगवाई है तो दूसरी भी कोवैक्सीन ही लगेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक तो कोविशील्ड लगवा ली और दूसरी कोवैक्सीन लगवा ली, नहीं। इंडिविजुअल्स विद थ्रोम्बोसाइपेनिया शुड टेक द वैक्सीन विद ग्रेट कॉशन। जिनको ये वाली बीमारी है, ब्लड प्लेटलेट्स ही कम बनते हैं, उनके लिए ये वैक्सीन बहुत सोच समझ कर लगवाएं। पहले डॉक्टर से पूछें, उनको बता दें कि हमें ये प्रॉब्लम है, उसके बाद अगर डॉक्टर आपको कहता है तब आप ये वैक्सीन लगवा लें। ठीक है, देखो, कोविशील्ड इज़ अ वैक्सीन डेवलप्ड बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड फार्माक्यूटिकल कंफर्म एस्ट्राजेनेका। ठीक है, एस्ट्राजेनेका एक फार्मास्यूटिकल फर्म है और इसके पार्टनर कौन है? पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट विच हैज़ मैन्युफैक्चर्ड द ASD1222। ये कोविशील्ड का वैसे नाम है पर कोविशील्ड के ब्रांड के अंडर इसको मैन्युफैक्चर करा गया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको बनाया है। द वैक्सीन इज़ बेस्ड ऑन एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस। देखो, जो वायरस है वो एक्टिव फॉर्म में होता है, इस वैक्सीन को बनाया है इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस। अगर आप बाय चांस ऐसा हो जाए कि आपने फर्स्ट वैक्सीन लगवाई और आपको कोरोना वायरस हो गया, तो एकदम से जाकर दूसरी वैक्सीन नहीं लगवानी है, आपको सेकेंड डोज के लिए वेट करना है। ठीक है, प्रॉपर डॉक्टर से पूछना है और उसके बाद ही आपको सेकेंड डोज लगवानी है। ओके, इसके बाद मैं कोवैक्सीन पर भी लाइंस आपको दे दूंगी। आपको किसी भी टॉपिक पर, किसी भी कंटेंट पर लाइंस चाहिए हो तो आप मुझसे बोल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, कुछ भी पूछना हो यू आर ऑलवेज़ फ्री टू आस्क, बट सब्सक्राइब करना ना भूलें।